नागिन टीम के आने वाले खतरनाक एपिसोड में क्या होगा जब बेला के सामने अपना ही माहिर रूही के साथ हमेशा के लिए चला जाएगा, और माहिर का आने वाले एपिसोड में कौन से बड़े राज का रूही के साथ खुलासा होगा, और क्या बेला आने वाले एपिसोड में नागरानी बनेगी या नहीं, और क्या होगा आने वाले एपिसोड में, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दे। आपने जैसे कि देखा कि बेला को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सारे नाग बिन की आवाज सुन के हवेली जा रहे होते हैं और सैगल हाउस में सुमित्रा अपनी हुसूर की सेना लेकर आ जाती है। और सबसे मजेदार वाली बात तो तब होती है जब क्रिश बेला को बचाता है और बेला क्रिश को बचाती है, ऐसा कई बार आपको देखने को मिला। और बेला, क्रिश, विक्रांत और विशाखा ये सब हवेली में जाते हैं और सबसे बड़ा झटका बेला को तब लगता है जब ताजपोशी का समारोह देखती है और हुजूर असलियत में कौन है इसके सबसे बड़े राज का पर्दाफाश होता है, जहाँ पर पता चलता है कि हुजूर और कोई नहीं बल्कि असली रूही है। और बेला असली रूही को देख के काफी चौंक जाती है और काफी हिल जाती है, और यह रूही विक्रांत, विशाखा एंड बेला को कहती है कि मैं ही असली रूही हूँ। और बेचारा विक्रांत रूही को देख के काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और आप यह नागिन 3 के आने वाले खतरनाक एपिसोड में देखेंगे कि बेचारी बेला के ऊपर काफी बड़ा खतरा आएगा, और जहाँ पर सबसे बड़े राज की बात तो आने वाले एपिसोड में ये होगी कि माहिर जिंदा है और रूही की शक्ल में बेरुपये वाली औरत और माहिर की ही चाल थी कि बेला को अपने जाल में फंसाए और नागलोक में डुप्लीकेट रूही यह साबित कर सके कि बेला असली नागरानी नहीं है। और बेचारी बेला, विशाखा एंड विक्रांत यह तीनों को धक्के मार के नागलोक से निकाला जाएगा आने वाले एपिसोड में, और ये सब देखना काफी दिलचस्प होगा। और आपको क्या लगता है कि बेला अपने नागरानी होने का सच आने वाले एपिसोड में साबित कर पाएगी भी या नहीं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।